आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस रीअश्योर प्लान, जिसमें हमने 5 लाख का सम इंश्योर्ड कंसीडर किया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में मदद चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस रीअश्योर प्लान में मिनिमम एज 91 डेज है टू 25 ईयर्स फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स फॉर एडल्ट्स। यहाँ पर दोनों कैशलेस और रीइंबर्समेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो कैशलेस की फैसिलिटी और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो रीइंबर्समेंट आप ले सकते हैं। इस प्लान में आप मैक्सिमम 6 लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, जो है सेल्फ, स्पाउस, 2 चिल्ड्रन एंड 2 पेरेंट्स। नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस का 9000 प्लस हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। इस प्लान में हॉस्पिटलाइजेशन के 60 डेज से पहले के एक्सपेंसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन के 180 डेज के बाद के एक्सपेंसेस, जिसमें डॉक्टर की फीस, कंसल्टेंसी चार्जेस एंड मेडिकेशन चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। रूम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप कोई भी रूम चूज कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोपे नहीं है, यानी जितना भी सम इंश्योर्ड है उसमें आपको पॉलिसी क्लेम करते वक्त अपनी पॉकेट से पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आता है डे केयर एक्सपेंसेस, जो इस प्लान में इंक्लूडेड है। डे केयर एक्सपेंसेस में आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इंक्लूडेड है। एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ की लिमिट है। डोमिसिलरी एक्सपेंसेस का मतलब जब आप घर पर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब हॉस्पिटल्स में बेड कम हो या फिर हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में आप ना हो। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। नीवा हेल्थ इंश्योरेंस में आप हर 1 लाख रुपए पर 500 रुपीस तक का हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो इस प्लान के हिसाब से आप 2500 रुपीस तक का प्रिवेंटेटिव हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। अब आता है आयुष ट्रीटमेंट, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स जैसे सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है और यहाँ पर सम इंश्योर्ड जितना ही कवरेज मिलेगा। कोविड-19 के सारे वेरिएंट्स इस प्लान में इंक्लूडेड हैं, चाहे आपको कोई भी वेरिएंट हो जाए। रिस्टोरेशन बेनिफिट सम इंश्योर्ड पर 100% है, यानी अगर साल में आपने 5 लाख की पॉलिसी एग्जॉस्ट कर दी है तो इंश्योरेंस कंपनी उतना ही रिफिल कर देती है फॉर बोथ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डिजीजेस। अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस का मतलब अगर आप अपने प्लान में 1 साल में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर देती है। नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम नहीं लेने पर हर साल 2.5 लाख का एडिशनल कवर मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम कवर 10 लाख का हो सकता है। पॉलिसी लेने के बाद 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंट्स। स्पेसिफिक इलनेसेस की बात करें तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है। स्पेसिफिक इलनेसेस में कैटरैक्ट, डोनर एक्सपेंसेस, ओबेसिटी जैसी इलनेसेस इंक्लूडेड है। अगर आपके कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पॉलिसी लेने से पहले हैं तो आप उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस 3 साल के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। ये था नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस रीअश्योर प्लान के बारे में। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट से समझना चाहते हैं कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सही रहेगा, तो आप हमें कभी भी 7217746224 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्लान रेकमेंड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।